हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? मेरे चैनल में आप सभी को एक बार फिर से स्वागत है। और आज मैं आप लोगों के लिए क्या लेकर आई हूँ खास, तो चलिए देख लेते हैं। तो दोस्तों, आज शाम का समय है। अभी आज मेरा मैरिज एनिवर्सरी के दिन का, और हम लोग पूरे दिन घर में ही थे। जैसा कि फर्स्ट ब्लॉग में हमने आपको दिखाया है, पार्ट वन में, तो हमने घर में ही पूजा पाठ किया था। पर शाम हो गया, तो ये समय अभी हो रहा है 6:30 शाम हो रहा है। तो मेरे हस्बैंड बोले कि चलो थोड़ा सा बाहर घूम के आते हैं, कहीं मंदिर वगैरह खुला मिल जाए तो कम से कम बाहर से तो दर्शन कर ही लेंगे। तो वही हम लोग जा रहे हैं गणपति मंदिर, एक पास में ही गणपति मंदिर है तो वहाँ हम लोग जा रहे हैं। तो यहाँ पर आ गए हैं थोड़ा सा घूमते घूमते रेलवे लाइन के किनारे साइड में। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे आके मतलब हम लोग ना मालगाड़ी जा रही है तो उसको देखकर एंजॉय कर रहे हैं, और हम लोग हंस रहे हैं, बातें बना रहे हैं कि बचपन में हम लोग कहीं भी ट्रेन देख लेते थे तो बोलते थे अरे ट्रेन आ रही है, वो यादें हम लोग ताज़ा करके खुश हो रहे हैं। और वो कहते हैं ना कि खुश होने का एक बहाना चाहिए, तो वही है मेरे साथ। मैं हमेशा खुश रहती हूँ और बहुत ज़्यादा मतलब मैं टेंशन लेने वालों में से नहीं हूँ, हमेशा छोटी सी छोटी खुशी में भी खुश होती हूँ मैं। और ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे इस तरह का कुछ सीन है। देखिए ये पास में थोड़ा सा झील वगैरह है, और देखिए पानी यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ से अब हम लोग चलेंगे मंदिर, तो मंदिर देखते हैं खुला है कि नहीं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं मंदिर। और पार्ट वन ब्लॉग जो मैं डाली थी एनिवर्सरी का, उसमें मैं बताई थी कि पार्ट टू ब्लॉग में मैं गिफ्ट दिखाऊंगी, तो आज लास्ट तक बने रहिएगा, गिफ्ट भी मैं दिखाऊंगी आप लोगों को। और यहाँ पे हम लोग आ गए हैं मंदिर, तो इस तरह से हम दर्शन कर रहे हैं, क्योंकि प्रसाद वगैरह कुछ भी चढ़ाना यहाँ पर अलाउ नहीं है, बस हम दर्शन कर सकते हैं। तो भगवान का दर्शन भी हो जाए, उसमें भी बहुत शांति मिलती है ना, तो बस दर्शन कर लें। और भगवान से ही आशीर्वाद है कि हमेशा ऐसे ही सुहागन रखें, एक लेडीज़ के लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद तो यही होता है मेरे ख्याल से। यहाँ पे कुछ फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक किए थे, वो भी मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ। और बाद में यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा चंद्र ग्रहण देखने के लिए रुक गए थे एक जगह पे, क्योंकि 26 मई को रात में चंद्र ग्रहण लगा था। तो देखिए यहाँ से हम लोग थोड़ा सा देख रहे थे, इंजॉय कर रहे थे, इस तरह से कुछ दिख रहा था। और अब हम लोग आ गए, ये है स्टेशनरी एंड जनरल स्टोर। तो ये खुला हुआ दिखा तो मेरे हस्बैंड बोले कि चलो इसमें चल के कुछ गिफ्ट देखते हैं। तो यहाँ पे बस पर्स मुझे अच्छी लगी, मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कुछ भी मेकअप प्रोडक्ट्स ले लो, जो भी तुम्हें चाहिए होता होगा। तो मैं बोली नहीं, मेरे पास कुछ है, पर्स मैं ले सकती हूँ, क्योंकि पर्स से तो मन नहीं भरता चाहे कितना भी हो जाए। तो पर्स मुझे पसंद आ रहा था, तो मैं बोली कि पैक नहीं करवाते हैं, पर मेरे हस्बैंड बोले कि पैक करवाना है। तो देखिए इस तरह से पैक करवा के मुझे उन्होंने गिफ्ट दिया है, तो मैं खोल कर भी दिखाती हूँ आपको। और दोस्तों, गिफ्ट के बारे में मेरा सोच ये है कि गिफ्ट छोटा हो या बड़ा, मुझे बहुत खुशी मिलती है। छोटी सी छोटी भी कोई गिफ्ट देता है तो उसके पीछे जो पैसे लगते हैं उससे मुझे कोई मतलब नहीं है कि कितने रुपये के गिफ्ट हैं। गिफ्ट तो गिफ्ट होता है, उसमें जो छुपा हुआ प्यार है उसे देखना चाहिए। और इस बार तो लॉकडाउन है, तो हम उम्मीद भी क्या कर सकते थे, क्योंकि कोई भी दुकानें वगैरह खुली नहीं थी। तो ये भी मेरे लिए बहुत अच्छा है और मैं बहुत खुश हूँ। तो ऐसे ही मैं खुश रहूँ, आप सब आशीर्वाद दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।